हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ छठ पूजा में बनने वाला प्रसाद, जिसे हम ठेकुआ के नाम से जानते हैं और भारत में काफ़ी पसंद भी किया जाता है इसे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 कप आटा। अब उसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा। अब उसमें डालना है 1/4 कप सूजी और इन सभी को डालकर अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें बीच में थोड़ा होल बनाना है और उसमें डालना है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। और तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे पहले हमें मिक्स करके देखना है, अगर इसमें थोड़ा और तेल की ज़रूरत होगी तो इसमें हम और तेल डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमें हाथों की सहायता से मिक्स कर लेना है। तो तेल थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें तेल डाल दिया। और डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी मिक्स करना है। अब इसमें हमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इस तरह का पाउडर जो है वो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखा नारियल जो आता है उसे भी आप क्रश करके डाल सकते हैं। तो डेसिकेटेड कोकोनट मैंने इसमें 1/4 कप डाला है। अब मैंने लिया है 2/3 कप चीनी। 2/3 कप चीनी में से जो 1/4 चीनी जो होगा ना, वो इसमें हमें साबुत डाल देना है। और डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं। अब हमें लेना है लगभग 1/2 कप पानी और जो चीनी हमारा जो बचा था ना, वो इसमें हमें डाल देना है। और डालकर इसका हमें एक शुगर सिरप रेडी कर लेना है। अब इसी शुगर सिरप से हमें डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसमें हमें इसका एक टाइट डो लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एक बार भी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। और डो हमारा एकदम टाइट होना चाहिए, लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये डो लूज हो जाएगा तो ठेकुआ हमारा क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस तरह का हमारा टाइट डो जो है वो रेडी हो गया है। और जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसमें से थोड़ा पानी हमारा बच गया है, तो आप पहले थोड़ा पानी कम ही ले तो परफेक्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब उसमें से हमें छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं और इस तरह से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद फोक की सहायता से इसमें पैटर्न बना लेना है। अगर आप चाहें तो ठेकुआ का मोल्ड आता है, आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे ठेकुआ को रेडी कर लेना है। अब एक पैन को गर्म करना है, उसमें तलने के लिए तेल डाल देना है और तेल को भी हल्का गर्म करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जब हम ठेकुआ उसमें डालें तो उसमें से हल्के हल्के छोटे छोटे बबल्स आने चाहिए, बस उतना ही हमें गर्म चाहिए। तो उसी तरह का तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारा ठेकुआ डाल देंगे और डालने के बाद इसे हमें एक साइड से अच्छी तरह से पकड़े देना है। जब अच्छी तरह से एक साइड से पक जाए तभी आप इसे पलटें, वरना ठेकुआ टूट सकता है। तो एक साइड से हमारा ठेकुआ जो है वो अच्छी तरह पक गया है, अब इसे हम पलट देंगे। तो सारा ठेकुआ हमने जो है वो पलट दिया है, अब दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से हमें पकने देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ठेकुआ में सुनहरा कलर आ गया है और ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ठेकुआ जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।